एम लगाए हुए हैं, आजा बेटा आजा, उनको क्या पता है कि खड़ी में बैठा हुआ है रात से। अब एम पूरा लिए हुए हैं, बिंदु सिंह का निशाना है ही, आजा बेटा आजा बेटा आजा बेटा आजा बेटा, जब रेंज में एकदम आ गए हैं, बिंदु सिंह फर्स्ट फायर मारे, उदय सिंह के छाती में लगा, वहीं पर गिर गया। उनका गिरना, आज जो पीछे छह गो था वो सब भाग गया इनका, जबकि वो सब चाहता तो वहाँ पे बहुत बढ़िया नाद, जैसे नगौली में नाद नहीं था वैसे ही नाद था वहाँ बना हुआ, वो सब चाहता तो अगर ले लेता पोजीशन तो इन लोगों को निकलने में बहुत समय लग जाता, मार नहीं पाते लोग। उदय सिंह को भी सब उठा सकता था, एक गोली लगा था तो मैं हॉस्पिटल अगर सही समय पर ले जाता तो बच जाते, लेकिन ये लोग सही उसको अथी नहीं दिए, काउंटर नहीं कर पा, भाग गया डर से सब इनको छोड़ के। बस ये गनौरा वहाँ था, बिंदु सिंह जैसे ही फर्स्ट फायर हुआ कूद गए, कूदे और वो सब जो भाग रहा था तो फेकन सिंह चाहे कि मार देते हैं लोग को भी, मारे बस बिंदु सिंह इतना बड़ा बड़ा बाल रखते थे भाई, जो दौड़ के हिप्पी कट बाल उस समय चला हुआ था इसका अमिताभ बच्चन लोग की तरह। 30/10/1984 उसी दिन इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था, और डेट था सुबह 6 बजे इनको मारा गया था। और गनौरा तब के दीवाल, दौड़ते हुए चाह रहे थे कि जाके राइफलवा उठा लेंगे, बस फेकन सिंह जो गोली चला उनका बाल उड़ाते हुए बगल से आज जाके लगा एक आदमी के कंधा पर जो उनके साथ भाग रहा था। हाँ नहीं तो वो सब भाग गया, ये उनका राइफलवा उठा लिए और उनके करीब पहुँच के फिर उनके शरीर पर कमर से ऊपर 7 गोली, जब देख लिया कि एकदम ओके है हो गया, उदय सिंह मारे गए। ये लोग को दुख था, मारना ये लोग नहीं चाहते थे, लेकिन उस दिन का सिचुएशन ऐसा हो गया था। और ये लोग जाके उसके बाद तब तक में उनके भाई और बाकी जो बाहर का ग्रुप था वो लोग जुट गया तुरंत में, जब पता हल्ला हुआ कि उदय सिंह मारे गए। बहुत देर तक काउंटर चला, फिर काउंटर पोजीशन टूटा, वो लोग अब चला गया। उदय सिंह का इतना लोकप्रियता था कि वहाँ का जो हरियन था गाँव का, वो लोग इनका 2 दिन तक लाश नहीं उठने दिया था, वो लोग दूसरा को हाथ नहीं लगा, पुलिस किसी को हाथ नहीं लगा देता था, वो सब खुद से इनका अथी बनाकर बहुत नाच गाना के साथ इनका विदाई किया था। और उन्हीं के मरने के बाद पूरा गांव नक्सली उनका हो गया था, सब नक्सली ज्वाइन कर लेता बदला लेने के लिए लोग से। लेकिन इन लोग का आपसी लड़ाई था, गांव इतना मानता था उदय सिंह को, इतना मतलब उनका किसी की बेटी का ब्याह करा देना है, किसी का अथी करा देना है, मतलब मदद करते थे, कोई जात रहे हरिजन रहे अथी रहे, लेकिन उदय सिंह सब के लिए मसीहा था। उनके मारे जाना बहुत बड़ा क्षति था उस एरिया का, ये लोग भी मारना नहीं चाहते थे अगर नहीं पिताजी वाला इनका इंसिडेंट होता। एक पेड़ था उसके नीचे ये लोग बैठ के, सब लोग बैठे तो फेकन सिंह रोने लगे खूब चिल्ला चिल्ला के, तो बिंदु सिंह बोले कि बाहर है मौगा, हो गया रो रहा है, तो बोला कि इसलिए थोड़े रो रहे हैं हो कि हम उदय सिंह को मार दिए या तुम्हारे कान के पगल से गोली निकल गया तुमको लग जाता, इसलिए रो इसलिए रहे हैं कि एक थाली में हम लोग खाना खाते थे, सोचो कि आज अगर हम लोग सब एकजुट होते और उदय सिंह का मर्डर हो जाता तो पता नहीं आज जहानाबाद में क्या से क्या हो गया होता, और आज उस आदमी को जिसके साथ हम बैठ के खाना खाए हैं उसको अपने हाथ से मारना पड़ गया, ये कितना दुख का बात है। दुख सबको हुआ, सब लोग मायूस हो गया, क्या करें वो, तो हम क्या करते हैं, वो हम नहीं मारते हमको मार देते, हम तो कितना बार कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश की, हम लोग गए भी इनके दरवाजा पे पगड़ी तक रख दिए लेकिन नहीं तैयार हुए। उस दिन से हल्ला हो गया कि ग्रुप विभाजित हो गया, 26 आदमी को मुदाला बनाया गया, मुदाला मतलब आरोपी बनाया गया, 26 में गांव का जो नहीं होता मारे तो 6 गो थे लोग, 20 आदमी को एक्स्ट्रा मुदाला बना दिया। वो लोग को मुदाला बनाने में अब कितना लोगों को तो पता नहीं था कि हम ही मुदाला हैं, पुलिस जिस दिन पहला दिन छापा मारी बस सब के सब अरेस्ट हो गए, पहले 14 दिन अरेस्ट हो गए 14 को एक ही छापा में। अब किसी को, अब लोग गांव आया हुआ था कोई एक आधो प्रोफेसर थे बेचारे, वो सबको किसी का नाम डाल दिया जाता है ना अति में, सब लोग को अरेस्ट कर लिया। ये लोग बोले, वो लोग बोलते थे कि पुलिस बोला कि आप लोग पैसा दे दीजिए तो 20 गो का नाम काट देंगे, तो ये लोग बोले कि साला कोई नाम कटाया तो फिर देख लीजिएगा हम लोग दिक्कत कर देंगे, कि सब 6 के 6 पर आ जाएगा, ऐसे 20 आदमी रहेगा तो मां सती में नहीं लगता है। बोले ठीक, किसी कोई नाम नहीं कटवाने दिए लोग, और फिर 20 का ये लोग सब लोग अरेस्ट हो गए, बाकी जो 6 लोग थे 5 को वो लोग भी सरेंडर कर दिए, बिंदु नहीं सरेंडर किए, बाकी लोग 6 महीना के बाद ये लोग का बेल हुआ। आज जब 6 महीना के बाद वो लोग निकल के आए हैं तब बिंदु अपनी पत्नी से झगड़ा करके आई जाके 6 महीना के बाद सरेंडर कर दिए, वो लोग निकल गए हैं तब, 6 महीना के बाद वो लोग निकल गए हैं, आई सरेंडर कर दिए जाके कि
तो तुमको लड़ उड़ के कि तो जाओ हम भी जा रहे हैं सरेंडर करने के लिए, सरेंडर कर, ये जाके सरेंडर कर दिया। इनका बेल हुआ 14 महीना बाद। इनका जेल जाना था और उमेसर चाह उनका फेकनचा से मतलब कंपटीशन चलता था, उतना पढ़ता नहीं था, बिंदु ज्यादा पढ़ता ज्यादा था, कंपटीशन फेकनचा चलता था। वो धान का उस समय सीजन था, धान कटवाना, अब क्योंकि एक ग्रुप तो खत्म हो गया, एक ग्रुप सब जिले में थे, नक्सलियन एंटर कर गया, नक्सली लोग उस समय जो इन लोग के कारण नहीं एंटर कर रहा था 2 किलोमीटर के एरिया में, इन कर गया गांव में। उमेसर सिंह अपना जहां धान कटा रहा था वहां गए हुए थे, बच्चा लोग 6-7 को नया लड़का लेके, फेकन सिंह गांव में ही थे लेकिन क्योंकि नहीं उतना पड़ता था तो नया लड़का लोग को लेकर धान कटवाने के लिए, वहीं पहले लोग गांव में जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र होता था वहां लोग गांव में डेरा देता था राइफल विफल लेके 10-10, 15-20 लोग, कि रात में वो सब करता क्या था कि धान काट के ले चला जाता था, खेती रुकवा जाता था, तो लोग डेरा देता था कि हम लोग रात रात भर खेत का रखवाली होता था नक्सलियों से। तो ये हौद चालू करके, जो गांव में हौद होता है ना फीटर चल के नहाने वाने, उसको चालू करके उससे खेत में पानी जाता था। 6 को बोले कि तुम लोग नहाओ, हम खाना लेकर आते हैं, सिवनन के थे मैसेज, वो गांव गए खाना लाने के लिए, अभी राइफल अपना लिए हुए थे, फीटर चालू कर दिए थे हौद भरने के लिए, सब नहा रहा था, तो फीटर की आवाज़ में वहाँ एक नक्सली कमांडर था, समझे, अर्जुन पाड़े नाम था उसका, अर्जुन पाड़े सिवनन के ही थे, ब्राह्मण थे लेकिन वो कमांडर हो गए थे नक्सली के। इनका जेल जाना था बिंदु सिंह का और उमेसर चा की हत्या हो गई। फीटर चालू करके वहाँ से निकले हैं लाने के लिए, घर CRPF तैनात है वहाँ उत्तर की तरफ गांव में, CRPF भी है, CRPF कुछ नहीं की, नक्सली सब क्या किया कि कुछ अर्जुन पांडे के घर में आके रुक गया रात में, कुछ बगल वाले घर में 100-200 के संख्या में, ये अनभिज्ञ थे, ये निकले जैसे ही रास्ता से, जैसे ही रास्ता मान लीजिए कि रास्ता है और इसी रास्ता ये रास्ता है, रोड है इधर और इसी रास्ता में एक मकान है बीच में, मान लीजिए कि ये जो बाउंड्री है ये मकान है, होके जाइएगा उधर से गेट उस तरफ है। वो बेचारे जैसे ही उस घर से, अर्जुन पांडे के घर से थोड़ा सा आगे निकले हैं, सारा नक्सलियन गेट से बाहर निकला, पीछे से इनको भूंज दिया और उसके बाद उनका गला काट कर, गला काट लेता था सब भय उत्पन्न करने के लिए, गला काट के उनका और ले गया। ये आवाज़ CRPF तक आवाज़ पहुँच गई है लेकिन CRPF काउंटर नहीं की, उत्तर की तरफ है, पूर्व दक्षिण की तरफ इनको इनका घर है, गोली चल रही है, CRPF उत्तर की तरफ है, कोई तरह का उद्योग की तरफ से काउंटर नहीं हुआ। इन लोग को, लड़का लोग को कब पता चला, जब कुछ दूर लोग आगे निकल गया लेके, तब लोग फिटर बंद किया, तब तक मैं तो लोग उसका गर्दन लेके उनका आगे चले गए थे, उमेसर की हत्या हो गई। अंदर मिथिलेश भैया थे उनके बड़े भाई, जेल में ही उसमें बिंदु सिंह के साथ, बहुत रोते थे जब खबर मिला, तो भाई किसी का भाई है जेल में है, उसको पता चला कि हमारा भाई का हत्या हो गया, गला काट के ले गया, बहुत रोते थे, तो कहते थे कि अच्छा ठहरो निकलने दो ना, निकलने दो, सबका बदला लेंगे। बिंदु सिंह उमेसर सिंह के लिए हथियार उठा लिया, जैसे एक तो लड़ाई उस समय किसी से उनका लड़ाई नहीं था नक्सली से, आपसी रंजिश जो वो काउंटर डिफेंस में मारे गए उसको आत्मरक्षा में, हाँ उस समय तो गांव के लड़ रहे थे। उसके बाद जो उदय सिंह की हत्या हुई उसमें था कि भाई हमारा सेल्फ डिफेंस में, हमको अगर हम नहीं मारेंगे तो मार देगा, लेकिन किसी से नॉर्मल किसी से झगड़ा उनका किसी माओवादी से नहीं था। उमेसर सिंह की हत्या ने बिंदु सिंह के मन में नक्सलियों या पार्टी वालों के प्रति इतना नफरत भर दिया कि उसके बाद इन्होंने प्रण ले लिया कि पार्टी वाला चाहे कोई भी हो, हमारा भाई ये कहा नहीं हो, हम मार देंगे उसको। अदावत शुरू हो गई, 14 महीने के बाद बेल हुआ बिंदु सिंह का, सब लोग पहुंचे जेल गेट पर इनको रिसीव करने के लिए, आ रहे थे पिताजी, जब उनके पहुंचे तो वहीं पर पिताजी कहे थे कि बेटा 14 महीना रह गए थे तो इनको गाँव का हाल उसमें नहीं पता था कि क्या हुआ है नहीं हुआ। पिताजी कहते कि ये बेटा अब बेल्ट में गोली लेकर चलने से काम नहीं चलेगा, झोला में लेकर चलो। रात में हम खेत पटा रहे थे तो बहुत सारा नक्सली को देखे हैं, तो पूछे कितना, तो बोले 200 के करीब, लगभग 10-15 को होगा, इतना नक्सली कहाँ से आ जाएगा, एक्चुअली में था 500 से ज़्यादा लेकिन इनके पिताजी 200 को देखे थे। ये बोले कि नहीं उतना नहीं होगा, 20-25 को होगा, 10-15 को तो देख लेंगे हम, क्या कर लेगा हमारा, जान दीजिए चले। सही में किसी को विश्वास नहीं था कि नक्सली इतने संख्या में थानाबाद एंटर कर गया। ये पहुंचे हैं घर,
एक लड़का, ये लोग अभी रास्ते में थे तब तक मैं एक लड़का को देखे कि दौड़ते एक राइफल लेके आ रहा है, उनको क्या लगा कि अभी नदौल से लोग पैदल आ रहे थे, उदय सिंह का घर है वहीं पे, तो इनको लगा कि लगता है उदय सिंह का कोई लड़का आज हम छूटे हैं लेके आ रहे। तो वो बहुत जब करीब आ गया, वो नहीं दिख रहा है इन लोगों को, जब बहुत करीब आ गया है तभी बोले कि अरे लगता है गोली चलेगा। तो ये लोग सब अति में आ गए अलर्ट मोड पर कि देखिए राइफल लेके आ रहा है। फिर ये लोग हॉल्ट आए, ठर 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 जो हॉल्ट दिया जाता है कि वहीं पर रुक जाओ मार देंगे। थर्रा गया, नया लड़का था 15 साल का, बिंदु सिंह जैसे आदमी को देख कर सबके हाथ में थर्रा गया, तो उसको पकड़ लिए, पकड़ के राइफल छीन लिए। इनको पहले लगा था कि उदय सिंह का वो लड़का है, लेकिन वो लड़का उदय सिंह का नहीं, माओवादी का लड़का था जो एक दूसरे नक्सली का राइफल दूसरे गाँव में पहुँचाने जा रहा था। इसका तलाशी हुआ तो उसके पॉकेट में से एक चिट निकला, इसमें लिखा हुआ था कि यहाँ से राइफल उठा के इस यहाँ पर दे देना है। तब इनको विश्वास हो गया कि नक्सली लगता है कि एंटर कर गए, क्या दिन दिहाड़े ही लोग विचरण कर रहा है, गांव गए, गांज उंज रखा हुआ था, इन्हीं का वेट लोग कर रहा था कि आएगा वो तो बूट उट रखा हुआ है, वो खेती करवाएगा। गए बुलाने के लिए, लोग बोला गया कि जाओ बुला के, अथी धान का समय है, अब तुम फिर अथी किए हो अर्जुन पाड़े नक्सली कमांडो समय हो गया था, बोले कि जाके लोग धान कटवा लेना। तब तक 13 तारीख को इनका फिर डेट आ गया, सेशन करवाना था कोर्ट को। ये लोग फिर निकले मसौढ़ी में, गीतांजलि एक दुकान है मसौढ़ी के पास, वहीं अपना हथियार लोग रख देते थे, कोर्ट जाना था तो। अब वहाँ से ये लोग ना बस से चलते थे ना ट्रक अथी से, क्या कहते हैं ट्रेन से, ये लोग ट्रक से चलते थे, कोई रास्ता में ट्रक जा रहा है ना तो उसको रुकवा के लोग चढ़ गए। अब फिर जहाँ उतरना है वहाँ उतर गए, तो कोर्ट ही लोग गए, कोर्ट जाके वहाँ कोर्ट सेशन कराना था, सेशन करा के वहाँ से आ गए, तब तक 12 बज गया था, 12:30, भूख लग गई थी। ये लोग फिर गीतांजलि आए, अपना बेल्ट उट बांध रहे थे, हथियार उथियार ले, तब तक मैं देखे कि वो ट्रक आ रहा है, तो लोग बोले कि अरे ट्रक आ रहा, सब लोग तैयार हो गए, बोले कि ट्रक वालों को रुकवाया, वो लोग ट्रक वाला रुक गया, देखा कि 5-6 हथियार के साथ लोग है, राइफल लिए हुए, तो बोले कहाँ जाओगे बाबू, व्यवहार से बात करते थे लोग, बिंदु सिंह व्यवहारिक तक ले ही जाने जाते थे, कहाँ जाओगे बाबू, बोला कि पटना, तो हम लोग को लेते चलोगे, तो बेचारा क्या मना करता उतना हथियार देके। तो लोग गिट्टी से लोडेड ट्रक था, बैठ गया नदौली, लोग उतर गए, उसको 100 रुपया उसमें बहुत होता था, 100 रुपया उसको दे दिए, वो नहीं ले रहा था, जबकि फिर भी बोले कि नहीं रख लो, उतर गया। वहाँ से एक पान का दुकान था जहानाबाद में, अरवल मोड़वा के पास, वहीं लोग पान खाते, पान के बहुत शौकीन दोनों भाई, तो अब वहीं पे खाना नाश्ता का भी एक रेस्टोरेंट टाइप छोटा ढाबा जैसा नहीं लगता है उस तरीके का। तो पान बनाने के लिए पनवारी को बोले कि पान बनाइए, पान बना रहा था, तो वहीं बगल में पानी पिलाने प्यास लगी हुई थी, धूप का थी, जेट पर बैसाख का समय था, तो बोले कि जरा पानी पिला दीजिए। तो पानी नहीं, पहले लोग ढारता था नीचे, लोग चूल्हे से पानी पीता था, पहले का लोग उसी तरीके से पानी पीता था, मुँह लगा के नहीं ना पीता है, तो ढार रहा था लोटा से और ये नीचे छाक लगा के पी रहे थे। जो जैसे ही छाक लगाए हुए थे तो पानी और छाक के बीच में जो था मुंह लगाए हुए हैं, और उनको दिखाई दिया कि सामने अर्जुन पाड़े उस ढाबा के अंदर होटलवा में बैठा हुआ है। तो पानी लेते छोड़ दिए भैया, तो फेकंदा बोले कि हाँ बोलो, तो अर्जुन पाड़े बोले बक, तो बोले देखा ना अंदर देखिए, बोले अरे हाँ हाँ हो, बोले अब अर्जुन पाड़े यही मारा था वो मैसेज आगो थरा गया वहीं पर, बोले कि निकालिए इसको बाहर बाहर लेकर आइए, क्या कि अंदर और भी पब्लिक बैठी हुई थी, 30-06 का राइफल है, 30-06 का राइफल चलाएं तो आम आदमी को नहीं ना मारना है, मारेंगे तो क्रॉस करके दूसरे को लग जाएगा, करीब ना है, तो ये लोग नहीं चाहते थे कि किसी आम आदमी को लगे, हमसे लड़ाई हमारा नहीं है, मेरा लड़ाई नक्सली से है। अर्जुन पांडे तो गए अंदर, तो ब्राह्मण थे तो जो हम लोग के यहाँ जो रिवाज है मगध का, तो अंदर गए बैठे हुए थे अर्जुन पाड़े, तो बोले कि गोड़ लागी सरकार, आज भी हम लोग के यहाँ ब्राह्मण को गोड़ लागी सरकार ही कहते हैं, भूमि आ रहे हैं जब हम लोग ब्राह्मण हैं, लेकिन पूजा कराने वाला ब्राह्मण को हम लोग भी इज्जत देते हैं, इतना छोटा बच्चा भी अगर ब्राह्मण कराएगा तो गोड़ लागी पंडित जी ही कहा जाता है, और वो बहुत टाइट होकर आशीर्वाद भी देगा आपको, 5-6 साल का बच्चा है, तो बोले गोड़ लागी सरकार। तो जैसे ही देखा कि बिंदु सिंह फगन सिंह है, तो जीत रहा बाबू जीत रहा, उसका मुंह के ऊपर से तो बोल रहा है, उसका होठ कांप रहा था, देखा जाए।